हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सेंटर फॉर नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट। आई एम डॉक्टर प्रदीप मुले, इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट फ्रॉम न्यू दिल्ली, इंडिया। आज मैं बात करने वाला हूँ नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट फॉर ए वेरियस डिजीज़। बिना सर्जरी के बहुत सारी ऐसी डिजीज़ होती है जिसका ट्रीटमेंट होता है। दिस ऑल द नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट आर बेटर देन द ट्रेडिशनल सर्जरीज। तो इसमें मैं एक एक करके आपको बताते जाऊँगा। मैं जैसे यूट्रस के फाइब्रॉइड होते हैं, नंबर वन, यूट्रस के जो फाइब्रॉइड होते हैं, इसके जो ट्रीटमेंट के ऑप्शंस होते हैं वो होता है, एक तो मेडिकेशन होता है, दूसरा होता है यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन होता है जिसको यूट्राइन फाइब्रॉइड एम्बोलाइजेशन भी बोलते हैं, और तीसरा होता है मायोमेक्टमी और सर्जरी होती है। तो ये नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट जो है यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन, दिस कैन बी डन फॉर ए फाइब्रॉइड, इज नॉट नो इशू ऑन दिस वन, राइट। सो वेन एवर यू गो फॉर एनी काइंड ऑफ द सर्जिकल मेथड लाइक मायोमेक्टमी एंड द हिस्टेक्टमी, सो लुक फॉर यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन मेथड इज good for you or not, right? So eligibility criteria is there, so you have to find out and take one consultation with the intervention radiologist. Number two, uterine adenomyosis. Uterine adenomyosis is the complex problem in the uterus, right? इसमें जो main जो problem होता है ना, intense pain होता है, intense pain and the heavy bleeding with the clots. So इसका और ये जो adenomyosis होता है ये young age में बहुत होता है। तो यंग एज में आपके पास में, पेशेंट के पास में कोई बहुत सारे ऑप्शन नहीं होते हैं। इसका जो ट्रीटमेंट ऑप्शन होता है, एक तो होता है सिंपल मेडिकेशन होता है, बट मेडिकेशन इज़ नॉट द ट्रीटमेंट। दूसरा होता है यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन, दिस इज़ द नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट। इफ़ पर्सन सफरिंग फ्रॉम द यूट्राइन एडिनोमायोसिस, दे हैज़ टू लुक फॉर ए यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन। और थर्ड जो इसका ऑप्शन होता है वो होता है रिमूवल ऑफ यूट्रस होता है, तो रिमूवल ऑफ द यूट्रस दैट कैन नॉट बी डन इन ए यंगर पेशेंट्स। नंबर थ्री, ब्लॉक फेलोपियन ट्यूब। यदि मान लो किसी का फेलोपियन ट्यूब बंद है, और पर्टिकुलरली जो फेलोपियन ट्यूब जो बंद होता है ना, ये दो तरीके का बंद होता है। एक तो होता है बिल्कुल यूट्रस का जो ओपनिंग होता है उसके पास होता है, दैट इज़ द कॉर्नल एंड, और एक होता है फिम्ब्रियल एंड होता है। फिम्ब्रियल एंड होता है वो नॉर्मली इन्फेक्शन के कारण होता है। कॉर्नल जो एंड होता है उसको आप बिना सर्जरी के ओपन कर सकते हो, और ये जो टेक्निक होती है उसका नाम होता है फेलोपियन ट्यूब रिकन्वॉल्यूशन, जिसको FTR भी बोलते हैं। और ये सब जो टेक्निक होती है ना, इसमें कोई एनेस्थेसिया की ज़रूरत नहीं होती है। तीसरे चौथा जो डिजीज़ होती है जिसको बोलते हैं पेल्विक कंजेशन सिंड्रोम। पेल्विक कंजेशन सिंड्रोम जो होता है ये नॉर्मली फीमेल्स में होता है। पेल्विक पेन होता है, बोरिंग पेन होता है, और ये अर्ली मॉर्निंग में बहुत कम होता है, लेट इवनिंग जैसे जैसे आप काम करते जाओगे वैसे वैसे ये पेन बढ़ते जाता है। पेल्विक कंजेशन सिंड्रोम को डायग्नोस करने में भी बहुत मुश्किल होती है। बहुत सारे लोग होते हैं जो अपना अल्ट्रासाउंड करा लिया, सीटी करा लिया, एमआरआई करा लिया, पर भी उसको एक फाइनल डायग्नोसिस जो होता है वो मालूम नहीं पड़ता है पेल्विक कंजेशन सिंड्रोम का। तो पेल्विक कंजेशन सिंड्रोम में एग्जैक्टली होता क्या है, पेल्विक जो वेन्स होती है ना वो बहुत मोटी मोटी हो जाती है, और अर्ली मॉर्निंग आप जैसे रात में आप सो रहे हो, सोने के टाइम पर तो वो सारी वेन कोलैप्स हो जाती है। व्हेन यू स्टार्ट वर्किंग ऑन अ डे, सो ये सारी जो वेन होती है ये मोटी होने लगती है, और ये थ्रॉबिंग काइंड ऑफ द पेन दैट गिव्स, राइट। पेल्विक कंजेशन सिंड्रोम होता है, इसका और कोई ट्रीटमेंट नहीं होता एक्सेप्ट दिस द नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट विच इज़ कॉल्ड पेल्विक कंजेशन सिंड्रोम एम्बोलाइजेशन, पेल्विक एम्बोलाइजेशन भी बोलते हैं इसको। तो ये भी लोकल एनेस्थेसिया में होता है और डे केयर होता है। सो दिस इज़ द वेरी गुड ट्रीटमेंट दोज वुमेन हैविंग द पेल्विक कंजेशन सिंड्रोम। और दूसरे ट्रीटमेंट और क्या होते हैं, वेरिकोज वेन। वेरिकोज वेन वैसे बहुत सारे लोगों को मालूम है कि वेरिकोज वेन होता क्या है। इसमें बहुत मोटी मोटी डायलेटेड वेन होगी, टॉर्चस वेन होगी, ये नॉर्मली दोनों पैर में होती है, एक पैर में कम होगा, एक पैर में ज़्यादा होगा। और ये वेरिकोज वेन के कारण क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, इसमें हो सकता है पेन हो सकता है, स्वेलिंग हो सकता है पैर में, पिगमेंटेशन हो सकता है, कलर चेंजेस इन द स्किन हो सकता है, और यदि इसका ट्रीटमेंट नहीं हुआ तो ये वीनस अल्सर भी हो सकता है। वेरिकोज वेन के ट्रीटमेंट के बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। पहले जो होती थी ओपन सर्जरी होती थी, पर आजकल कोई करता नहीं है। लेटर ऑन द लेज़र ट्रीटमेंट केम, एंड उसके बाद में बहुत सारे नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट है, जैसे रेडियो फ्रिक्वेंसी एब्लेशन है, माइक्रोवेव एब्लेशन है, एंड द लेटेस्ट ट्रीटमेंट इज़ देयर द ग्लू एम्बोलाइजेशन ऑल्सो देयर। तो RFA, माइक्रोवेव एब्लेशन और द ग्लू एम्बोलाइजेशन, दिस इज़ द वन ऑफ द बेस्ट ट्रीटमेंट फॉर ए वेरिकोज वेन। और जो दूसरी कंडीशंस होती है उसको बोलते हैं वेरिकोसील। वेरिकोसील एग्जैक्टली होता है क्या, वेरिकोसील में ये मेल्स में होता है, टेस्टिस की जो वेन्स होती है ना वो बहुत मोटी मोटी हो जाती है, क्योंकि जो टेस्टिकुलर वेन होती है उसमें से ब्लड आपका ऊपर को नहीं जा रहा, सब नीचे नीचे को आ रहा है, तो टेस्टिकुलर वेन दैट बिकम डायलेटेड। और नॉर्मली इसमें प्रॉब्लम क्या होता है, इसमें ऑन एंड ऑफ पेन होता है,
and sometimes the swelling also comes. If this not treated, so male patient, they may sometimes land up on a infertility cases also, right? Infertility का मतलब होता है कि इसमें जो sperm count होता है वो बहुत कम हो जाता है. इसके भी देखा जाए ना तो दो तरीके होते हैं, एक तो open surgery होता है, दूसरा varicocele embolization होता है. Varicocele embolization जो होता है ना, this is the much better than the open surgery. इसमें recurrence जो होता है बहुत कम होता है, just the 1%, but surgery में recurrence rate होता है वो बहुत ज़्यादा होता है. Varicocele embolization जो होता है इसमें एक भी stitches नहीं होता और ये day care का procedure होता है. So there's no need to worry to get the varicocele treatment by the varicocele embolization. और दूसरी का जो condition होती है जिसको बोलते हैं benign prostatic hyperplasia, राइट, हिंदी में शायद मैं क्या से प्रोस्टेट को गदूद भी बोलते हैं. यदि वो ये नॉर्मली होता है कि थोड़े से ओल्ड एज मेल्स में होता है और इसके कारण से प्रॉब्लम क्या क्या होती है, एक तो आपका यूरिन, अर्ली मॉर्निंग में आप यूरिन पास करने जाते हो तो यूरिन आएगा नहीं, नैरो स्ट्रीम होता है, पेन भी हो सकता है, यूरिन का फ्रिक्वेंसी होता है वो भी बढ़ जाता है. पर्टिकुलरली दिन में आप बहुत बार जा रहे हो यूरिन पास करने के लिए और एक बार यूरिन पास करके आप आ गए तभी भी आपको लगता है कि नहीं यार मैंने आई एम नॉट सेटिस्फाइड, मेरा यूरिन पूरा पास नहीं हुआ. इसके भी जो ट्रीटमेंट होते हैं, ट्रीटमेंट के दो तरीके होते हैं, एक तो सर्जरी होती है जिसमें लेज़र भी होता है बाकी, और दूसरे तरीके की सर्जरी भी होती है. और नॉन सर्जिकल जो ट्रीटमेंट होता है उसको बोलते हैं प्रोस्टेटिक आर्टरी एम्बोलाइजेशन. प्रोस्टेटिक आर्टरी एम्बोलाइजेशन ये जो टेक्निक होती है ना, बहुत नई सी टेक्निक है ये, जैसे एंजियोग्राफी होता है ना बिल्कुल एग्जैक्टली द सेम काइंड ऑफ टेक्निक इज देयर. जितना बड़ा ग्लैंड है उतना अच्छे से प्रोस्टेटिक आर्टरी एम्बोलाइजेशन हो सकता है, बहुत छोटा जो ग्लैंड होता है ना उसमें नहीं होता है नॉर्मली. और जो दूसरी कंडीशंस होती हैं जैसे पेरिफेरल आर्टेरियल डिजीज जिसको बोलते हैं पीएडी भी बोलते हैं, पीएडी में जो पैर की जो आर्टरीज होती है ना वो नैरो यदि हो गई किसी की तो हो सकता है कि उसको क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है. नॉर्मली इसमें क्या होता है कि सीवियर पेन होता है. आप पहले तो आप थोड़ा सा वॉक कर रहे हो, 50 मीटर 60 मीटर वॉक कर लिया तो आपको थोड़ा सा रेस्ट करना पड़ेगा, इसको बोलते हैं क्लॉडिक्वेशन पेन बोलते हैं इसको. पर लेटर ऑन जैसे जैसे डिजीज़ जो प्रोग्रेस करती है, यदि आपकी पैर की आर्टरी नैरो होती जा रही है तो आपको पेन रेस्टिंग फेज में भी हो सकता है. इसका भी ट्रीटमेंट ऑप्शन बहुत सारे होते हैं, सर्जिकल ऑप्शन होता है, बाईपास ऑप्शन होता है और एक नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट होता है. जैसे एंजियोग्राफी करते हैं ना उसी तरीके से ये होता है. एंजियोग्राफी में यदि आपको कहीं पर ब्लॉक मिलता है तो आप उसका बेलूनोप्लास्टी भी कर सकते हैं और स्टेंटिंग भी कर सकते हैं. 90% ऑफ द पेशेंट दे रिकवर वेरी वेल ऑन दिस वन. यदि ये ट्रीटमेंट इसका नहीं कराते हैं तो क्या हो सकता है, पैर जो होता है ना, पैर के जो अंगूठे हैं और जो छोटी वाली जो उंगलियां होती पैर की, ये काली पड़ने लग जाएगी और उसका फिर बाद में एम्पूटेशन भी हो सकता है. तो इसीलिए पीएडी जो होता है, पेरिफेरल आर्टरी डिजीज होता है, इसमें जितना जल्दी आप ट्रीटमेंट कराओगे उतना अच्छा रिजल्ट्स आता है इसका. और कुछ नए ट्रीटमेंट भी हैं इसके, जैसे स्टेम सेल थेरेपीज हैं, नाउ स्टार्टेड डूइंग दैट आल्सो. और दूसरी और क्या कंडीशंस होती हैं, जैसे आर्टेरियो वीनस मालफॉर्मेशन होता है और हेमेंजोमास होते हैं. हेमेंजोमा जो होते हैं वो बॉडी में कहीं भी हो सकते हैं, बट कॉमनली मैं जो देखता हूँ अपनी प्रैक्टिस में वो होते हैं लीवर के हेमेंजोमास होते हैं. छोटा यदि हेमेंजोमा है तो उसको कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती है, पर यदि बड़ा हेमेंजोमा है तो उसका सर्जरी की जगह में हेमेंजोमा एम्बोलाइजेशन भी हो सकता है. दिस अगेन, दिस एम्बोलाइजेशन इज एग्जैक्टली लाइक ए एंजियोग्राफिक टेक्निक, राइट. और एवीएम आर्टेरियो वीनस मालफॉर्मेशन ये भी जो होता है ना, ये बहुत सारी जगह होता है बॉडी में, जैसे पर्टिकुलरली मसल्स में हो गया, कभी आपका बैक में हो गया, कभी आपका थाइज में है, कभी लेग्स में है. तो इसका भी जो ट्रीटमेंट होता है, एक सर्जिकल ट्रीटमेंट तो कोई बहुत अच्छा होता नहीं है इसका, पर एम्बोलाइजेशन जो होता है वो आर्टरी के अंदर अंदर जाके इसकी आर्टरी और वेन जो ख़राब होती है उसको कुछ एम्बोलिक मटेरियल्स होते हैं उससे बंद किया जाता है. तो ये तो एम्बोलाइजेशन हो गया इन आर्टेरियो वीनस मालफॉर्मेशन एंड द हेमेंजोमास. फिर लीवर ट्यूमर्स, लीवर ट्यूमर्स में इंटरवेंशन जो रेडियोलॉजिस्ट होते हैं, जो नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट होता है वो तीन तरीके से होते हैं. एक सबसे पहला तरीका होता है जिसको बोलते हैं रेडियो फ्रिक्वेंसी एब्लेशन. यदि लीवर ट्यूमर यदि छोटा है तो उसके लिए रेडियो फ्रिक्वेंसी एब्लेशन होता है, और यदि मान लो ट्यूमर उससे बड़ा है तो उसको बोलते हैं कीमो एम्बोलाइजेशन बोलते हैं. इसमें कीमो एम्बोलाइजेशन, दिस ऑल्सो इज ए सिमिलर टू द एंजियोग्राफिक टेक्निक. इसमें आप कीमोथेरेपी भी देते हो और जो जो ट्यूमर है, जैसे हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा है, वो बड़ा साइज है तो इसकी जो आर्टरी बंद करके इसमें कीमोथेरेपी भी देते हैं. तो ये जो कीमोथेरेपी होती है एम्बोलाइजेशन के बाद में ट्यूमर सेल्स में ट्रैप हो जाती है और ये रहेगी उसके अंदर 3 से 4 वीक 5 वीक तक रहती है. तो 5 वीक तक कीमोथेरेपी विद इन द सेल्स, ट्यूमर सेल्स में होती है. तो ये दिस इज़ ऑल्सो ए गुड एडवांटेज. नंबर 3, यदि मान लो ले लार्ज ट्यूमर है जैसे हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा है और यदि वो और जगह में भी इन्वेड कर रहा है, जैसे पोर्टल वेन है, पोर्टल वेन को उसने बंद कर दिया, तो उसकी जगह में होता है रेडियो एम्बोलाइजेशन होता है. तो ये तीन तरीके से
नॉन सर्जिकली आप लीवर ट्यूमर को ट्रीट कर सकते हैं। सबसे पहला तो मैंने जैसे बताया रेडियो फ्रिक्वेंसी एब्लेशन होता है, दूसरा कीमो एम्बोलाइजेशन होता है, एंड थर्ड इज़ द रेडियो एम्बोलाइजेशन। और भी बहुत सारी और लाइन्स होती हैं, जैसे कीमोथेरेपी देना है आपको, कीमोथेरेपी के लिए आपको लंबे टाइम तक आईवी लाइन चाहिए। नॉर्मली आप ना यहाँ एक बार आईवी लाइन लगाओगे तो ये कई बार बंद भी हो जाता है, तो इसके लिए एक ऐसी लाइन्स होती है जिसको बोलते हैं पेरिफेरल इंसर्शन ऑफ सेंट्रल कैथेटर बोलते हैं, PICC बोलते हैं। तो ये बहुत तरीके की लाइन्स होती हैं, जैसे आपको कीमोथेरेपी देना है लंबे टाइम तक, पेरेंटल न्यूट्रिशन देना है, मान लो किसी की GI सर्जरी हुई है और उसको लंबे टाइम तक आपको न्यूट्रिशन देना है, तो इस टाइप के जो कैथेटर्स होते हैं ये भी आप लगा सकते हैं। और ये जो PICC लाइन होती है ना, ये कम से कम 3 महीने से 6 महीना 8 महीना 10 महीना इवन साल तक भी आप उस लाइन को अपने पास में रख सकते हो। जैसे मान लो कभी किसी को कीमोथेरेपी के 4 नहीं 6 नहीं 8 सेशन देने हैं, तो ये एक सेम लाइन है, ये आपको लग जाती है। और ये लगती नॉर्मली ना हाथ में, यहाँ पर इस साइड में लगती है, तो इज़ ईजी टू वियर द योर क्लॉथिंग्स एंड अदर थिंग्स ऑल्सो, एंड PICC इज़ द वन ऑफ द बेस्ट मेथड टू गिव ए लॉन्ग टर्म लाइन फॉर ए पेशेंट्स, राइट। और ये सब जो नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट होते हैं ना, इसका बेनिफिट्स क्या होते हैं? एक तो सारी जो जितने भी मैंने ये बताई आपको ना, ये सब टेक्निक जो है या तो एक दिन का एडमिशन होगा या तो डे केयर होगा। डे केयर का मतलब होता है कि सुबह आप एडमिट होगे तो बाई लंच टाइम यू कैन गो होम ऑल्सो। और ये जितनी मैंने डिजीज़ बताई ना, इसमें जो भी टेक्निक है, ये नॉन सर्जिकल टेक्निक है, इसमें एक भी स्टिचेस नहीं आता है। इसमें बॉडी में जो इंट्री होती है ना, जैसे आप ब्लड सैंपल कैसे देते हो, बस उतना सा इंट्री होता है। इसमें रेस्ट की कोई ज़रूरत नहीं होती है क्योंकि स्टिचेस एक भी नहीं लगा है, तो आपको बार बार वो स्टिचेस निकालने के लिए और एंटीबायोटिक बहुत ज़्यादा खाने की ज़रूरत नहीं होती है। इसका जो सक्सेस रेट होता है, इसका होता है ऑलमोस्ट 98-99% सक्सेस रेट होता है। 1% चांसेस होता है कि सम डिजीज़ दे मे समटाइम कम अगेन ऑल्सो, रिकरेंस भी हो सकता है, पर्टिकुलरली जैसे हेमेंजोमास है, इसमें रिकरेंस होने का चांसेस ज़्यादा होता है। और ये जो टेक्निक होती है, ये ट्रेडिशनल जो सर्जरीज होती है ना, उससे बहुत सस्ती होती है एज़ कम्पेयर टू ट्रेडिशनल सर्जरी। जैसे ओपन सर्जरी में तो आपको 3 से 4 दिन 5 दिन एडमिट होना होता है, देन यू रिक्वायर्ड द बेड रेस्ट ऑल्सो, बट ये सब जो नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट होता है, इसमें आपको बेड रेस्ट की कोई ज़रूरत नहीं होती है। ये जितनी नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट है, ये मोस्ट ऑफ द इंश्योरेंस जो कंपनी होती है दे कवर, सो इफ़ यू हैव द इंश्योरेंस सो यू कैन अप्लाई फॉर दैट ऑल्सो टू गेट दिस काइंड ऑफ द ट्रीटमेंट। यदि और डिटेल आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो यू कैन लॉग इन माई वेबसाइट, मेरी वेबसाइट का नाम है www.indianinterventionradiology.com, या तो मेरे को आप व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। व्हाट्सअप मेरा नंबर है 9810492778। यदि मेरे को आप व्हाट्सअप कर रहे हैं, व्हाट्सअप तो मेरे को 24 घंटे में कभी भी कर सकते हैं, पर यदि व्हाट्सअप कॉल कर रहे हैं तो मेक श्योर कि ऑफिस टाइम पे हो और छुट्टी के दिन नहीं करें, अनलेस यू हैव द एमरजेंसी। थैंक यू वेरी मच।